अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है मोटापा। वीवर्स, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसका जिस्म छरीरा और सुडौल हो। खास तौर पर औरतों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि वो अपने जिस्म की फालतू चर्बी को दूर करके मोटापे से निजात हासिल कर सके, ताकि उनका जिस्म खूबसूरत और पुरकशिश हो सके। वीवर्स, अगर मेरे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। वीवर्स, मोटापा जिन बीमारियों को जन्म देता है उनमें से चंद ये हैं। नंबर एक, शुगर। नंबर दो, हाई ब्लड प्रेशर। नंबर तीन, सांस की बीमारियां यानी सांस फूलना। नंबर चार, जोड़ों का दर्द। नंबर पाँच, बांझपन। वीवर्स, मोटापा किस वजह से होता है आइए जानते हैं। नंबर एक, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। नंबर दो, मीठी चीज़ें खाना, आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल। नंबर तीन, तली हुई चीज़ें खाना। नंबर चार, गोश्त वगैरह ज़्यादा खाना। नंबर पाँच, वर्जिश ना करना। नंबर छः, मेहनत से जी चुराना। नंबर सात, खाना खाने के फौरन बाद लेट जाना या सो जाना। वीवर्स, मोटापा दूर करने के लिए कुछ अच्छे टिप्स बताऊंगी, ध्यान से सुने। नंबर एक, खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबाकर खाएं। नंबर दो, अगर आपको दो रोटी की भूख है तो आधी रोटी कम खाएं। नंबर तीन, रात का खाना सोने के दो घंटे पहले खाएं। नंबर चार, नमक और नमकीन चीज़ें कम खाएं। नंबर पाँच, खाना खाने के वक्त गोश्त कम और सलाद वगैरह ज़्यादा खाएं। नंबर छः, नाश्ता ज़रूर आप करें, नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर सात, खाना खाने से पहले एक या दो गिलास पानी पिएं, इससे आप खाना कम खा सकेंगे। नंबर आठ, चावल खाएं तो सिर्फ उबले हुए। नंबर नौ, सुबह निहार में एक गिलास गुनगुने पानी में लीमू निचोड़ कर पिए। नंबर दस, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वीवर्स, अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। कम अज़ कम हफ्ते में आधा किलो कम करने की कोशिश करें। वीवर्स, आप इरादा करेंगे तो ज़रूर होगा, कोई मुश्किल नहीं है। वीवर्स, मोटापा अचानक नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता आता है, इसलिए वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता कम करें। वीवर्स, अब मैं आपको एक दवा बताऊंगी जो बनाने में बहुत ही आसान है। आप लोग चूना पान में खाते हैं। चूने से हड्डियां मजबूत होती हैं, इससे कैल्शियम की कमी दूर होती है और इससे फालतू चर्बी पिघलती है। और शहद, शहद में विटामिन ए होता है, इससे आयरन की कमी दूर होती है। शहद से जिस्म को ताकत मिलती है, खून साफ होता है। शहद के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। चूना और शहद के फ़ायदे अगर बोलें तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए आइए दवा बनाने का तरीका मालूम करें। चूना 10 ग्राम ले, जो पत्थर वाला होता है, उसको पाउडर बनाकर 250 ग्राम शहद में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। इस मिक्सचर को कॉटन कपड़े में डालकर छान लें और बॉटल में डालकर स्टोर करें। रोज़ाना सुबह शाम एक ग्राम चाट लिया करें, बहुत जल्द आपका मोटापा दूर होगा। ज़रूर आप लोग मुझे दुआएं देंगे। वीवर्स, अब दें इजाज़त, आप अपना ख़ास ख्याल रखें। आप इस दवा को ज़रूर बनाएं और फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।